हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? वेलकम टू रोटो टेक वंस अगेन। तो आज हम बिल्ड करने वाले हैं पीसी, और ये पीसी बेसिकली आपको ऑलमोस्ट जो कंपोनेंट्स हैं सीपीयू के 80,000 से नीचे, ऑलमोस्ट 78 के आसपास में सारा कंपोनेंट्स हैं। और ये पीसी आपको स्ट्रीमिंग करवा सकता है, गेमिंग करवा सकता है फुल HD में। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बिल्डिंग करते हैं, एंड माई डॉटर विल असिस्ट मी, काशवी, शी इज वेरी इंटरेस्टेड। आ जाओ काशवी। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं मदरबोर्ड। सो दिस इज द पीसी बिल्ड कंपोनेंट्स, क्रॉसहेयर, 16GB रैम, Ryzen 5 3600, 3rd generation प्रोसेसर, MW क्रॉस कूलर मास्टर, 650 वॉट्स पावर सप्लाई। दिस इज आवर ग्राफिक कार्ड GTX 1050 Ti, Asus and MCI Tomahawk Max motherboard. So all complete, and here is the master box from Cooler Master, the cabinet, glass cabinet, and there is our gaming keyboard, and there is G502 gaming mouse. Complete. Okay, motherboard main leke aaun. Yes. तो पीसी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, तो मैं अपने स्टाइल से बनाऊंगा, नो प्रॉब्लम्स। बस इसमें आपको स्क्रू ड्राइवर चाहिए बस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मदरबोर्ड पे Ryzen 5 सीरीज का 3600 जनरेशन 3rd का प्रोसेसर हमने लिया है, तो उससे पीसी बिल्ड करने वाले हैं। एंड मदरबोर्ड हमारे पास है ये रहा। अच्छा, इसके ऊपर जोर मत डालो। ओके, सो वी हैव दिस MSI का मदरबोर्ड B450 Tomahawk Max 2। तो ये हमने लिया है, एंड और प्रोसेसर देना, प्रोसेसर का। एंड हियर इज द Ryzen 5 3600, एंड देख लो। तो ये एक्चुअली ये ना ब्रेन है। हां, दिस इज द प्रोसेसर, इज द ब्रेन। तो सबसे पहले हम इसको इंस्टॉल करने वाले हैं। सो ये पार्ट्स में वीडियो है। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इज हाउ टू इंस्टॉल योर Ryzen 5 ऑन योर Tomahawk MSI मदरबोर्ड। तो अब हम इसको पहले इसका ब्रेन खोलेंगे। तो मैं ओपन करती हूँ इसको, मदरबोर्ड का ब्रेन। ये थोड़ा ध्यान से करने वाला काम है, इसको बच्चों नहीं तो ये गिर के टूट जाएगा। और इसको अनबॉक्स कर रहे हैं। ये मुझे करने दो, नहीं जो जो आपका काम है वो मैं आपको दूंगा। क्या जरूरत होगी? मेरा काम क्या है? तुम्हारा काम है मुझे चीजें पकड़ाना, क्योंकि दिस इज अ डेलिकेट थिंग। एंड मुझे भी एक बार दिखा दो। सो दिस इज द प्रोसेसर, इसको बहुत ध्यान से हैंडल करना है। अगर ये आपने उंगली इस पे लगा दी तो ये प्रोसेसर खराब। इसके पीछे आपको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। दिखाओ, यहीं से पकड़ो और दिखाओ। मतलब पीछे हाथ नहीं लगाना? नहीं लगाना, ये तो खराब हो सकता है। वाओ प्रोसेसर। एंड दिस इज द सीपीयू फैन। तो ये देखो, अंदर से हमारा होल से दिख रहा है। अब मैं इसको खोल देती हूं। नहीं, इसको बाद में खोलेंगे ना। तो ये दिस इज द फर्स्ट थिंग, राइट? और सबसे पहले प्रोसेसर को इंस्टॉल करने के लिए सबसे आसान रहता है कि आप मदरबोर्ड के बॉक्स के ऊपर ही मदरबोर्ड निकालें और उसके ऊपर प्रोसेसर लगाएं। तो अब आप देखिए, हम इस पे कैमरा रखते हैं और इंस्टॉल करते हैं साथ के साथ। चलो मैं भी खोलूं। यस यस, कहां से खोलना है? वहां से खुलेगा, देखते हैं। मुझे हाँ पैर मत लगा लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फ्रेंड्स, ये जब हम उसमें इंस्टॉल करेंगे अपने मास्टर बॉक्स में तब लगाएंगे। तो अभी सबसे पहले हमने क्या करना है, इंस्टॉल करना है हमारा मदरबोर्ड। इसको मत दबाओ बेबी, जो जरूरत नहीं है यहाँ पे मैं बताऊंगा। अभी हम मदरबोर्ड को खोल रहे हैं। गाइस, मुझे ना ये जो पहले मदरबोर्ड इसका नाम है, मुझे लग रहा था कि ये कोई मम्मा बोर्ड है। वाओ, कैसा पीसी है ये, पर ध्यान से टच मत करना। इसको इसके ऊपर रखना चाहिए फ्रेंड्स। सो दिस इज योर, रुको ना, जो मैं
दिस इज़ योर मदरबोर्ड MSI का, एंड यहाँ पर हमारा प्रोसेसर इंस्टॉल होगा योर राइजन 5. डोंट टच एनीथिंग, इसमें मैं भी नहीं कर रहा. हमारा मदरबोर्ड तो यहाँ पर है, आपको ये ट्राइंगल दिख रही है, इसके साथ आपने अलाइन करना है. तो सबसे पहले हम इसका नॉच खोलेंगे, दिस वन. अब इसका हमने लीवर खोल दिया, दिखाओ. ये देखिए खुला ना, ये ऊपर से नीचे नहीं कर दिया क्या? हाँ कर दिया. अब इसमें हमने प्रोसेसर लगाना है बहुत ही ध्यान से. ये देखिए, तो सबसे पहले हम प्रोसेसर खोलेंगे, ये खुल गया. और इसके पीछे नहीं टच करना, हाँ. नहीं तो ये खराब हो जाएगा. इसके ऊपर बिल्कुल टच पीछे से नहीं करना, साइडों से उठाना है ऐसे, जैसे डॉक्टर जी उठा रहे हैं. एंड जहाँ पर इसका ट्राइंगल है उस ट्राइंगल से मैच करते हुए दिखाइए जरा अपने फ्रेंड्स को. अच्छा तो थोड़ा दूर रखो ना. हाँ बस ये दिख रहा है सबको. एंड यहाँ पर आपको ट्राइंगल, ये रहा ट्राइंगल, इसके साथ आपने मैच करना है इसका ट्राइंगल. कहाँ दिखाइए, अब मैच की ये बंद कर देना है ऐसे. देखिए जैसे डॉक्टर जी, तो हमने इसके ऊपर रख दिया. इसके बाद ये लीवर हमने बंद कर देना है ऐसे, दैट्स इट. और आपका प्रोसेसर हो गया इंस्टॉल. तो फ्रेंड्स हाय, अब हम इसमें आपको बताएंगे कि कैसे आपने राइजन 5 में स्टॉक कूलर जो इसके साथ आता है वो इंस्टॉल करना है. तो अब मैं इसको अनबॉक्स करने वाली हूं. ये अनबॉक्स कर रही है और मैं आपको दिखा देता हूं. अब हमने स्टॉक कूलर लगाना है, तो बेसिकली हमने राइजन 5 प्रोसेसर, तो ये देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, ये राइजन 5 हमने प्रोसेसर इंस्टॉल किया हुआ है. तो ये जो स्क्रूज है ये हमें नहीं चाहिए जब हमने स्टॉक कूलर लगाना है, इनके वाला जो इसके साथ आता है. तो हम ये पहले अनस्क्रू कर लेंगे अपने स्क्रू ड्राइवर से और फिर आपको दिखाते हैं अगला प्रोसेस. तो बहुत आसानी से ये बाहर आ जाते हैं स्क्रू. प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, कोई नहीं करता. और ये हमें नहीं चाहिए इसलिए हम ये निकाल रहे हैं. हटाओ इसका. और यहाँ पर हम लगाएंगे स्टॉक कूलर्स के. ये मैं आपको स्क्रू दिखा देती हूँ पास से, ये देखो. वहीं रखो, वहीं रखो, स्क्रू देखने की चीज नहीं है उनकी. हाँ. कितने स्क्रू हैं इसमें? 4 हैं. तो चारों आपने निकाल लेने हैं क्योंकि हम स्टॉक कूलर लगा रहे हैं. अगर आप कोई दूसरा कूलर लगा रहे हैं उसके लिए ये काम आते हैं, पर हम इसमें स्टॉक बिल्डिंग कर रहे हैं तो वी डोंट रिक्वायर दैट. तो ये डायगोनली आपने जोड़ने हैं. इंस्टॉल हो गया है स्टॉक कूलर मदरबोर्ड के ऊपर, चारों स्टॉक. और हमने इसके अंदर वाले जो थे वो निकाल दिए. तो काशु ये इस बॉक्स में डाल दो ये वाले. ओके. तो ये थी आपके कूलर की स्टॉक की इंस्टॉलेशन. तो हाय फ्रेंड्स, अब हम अपने पीसी में लगाने वाले हैं 16 GB की रैम. एक तुम रखो ना. तो ये है 8 GB की और 8 GB की है इसके पास. ये हमारे पास क्रॉस एयर की विनेजेंस RGB वाली प्रो AMD के लिए हमारे पास रैम्स. तो ये हम इंस्टॉल करेंगे हमारे मदरबोर्ड पे जो कि है MSI का B450. अब इसमें खास बात फ्रेंड्स ये होती है कि काफ़ी लोग इसमें गलती ये कर देते हैं कि जैसे हमारे पास 4 स्लॉट हैं तो इकट्ठे 2 लगा देते हैं. तो हमेशा या 1 या 3 में लगाएं या 2 या 4 में लगाएं, ये मदरबोर्ड में पढ़ लें. क्रॉस एयर 8 GB रैम, वी आर इंस्टॉलिंग इट इन आवर गेमिंग PC B450. सो ऑलवेज इंस्टॉल इन आइदर 1 slot और number 3 or number 2 or number 4. आपको जब नया पीसी लगा रहे हो तो डर लगता है, तो डरने की बात नहीं है. तो बेसिकली आपको बस ये अलाइन करना है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये CPU की तरफ फेस करेगा आपका. बेसिकली जैसे हमारा ये कर रहा है क्रॉस एयर इस तरफ, तो ये आपने ये जो पीस है ये अलाइन करना है. फर्स्ट और थर्ड में लगाना है. अब हम थर्ड में लगाने वाले हैं. फर्स्ट में हम लगा चुके हैं ताकि ये
लगाइए डोंट एक डॉक्टर जी, क्या हुआ? तो ये क्लिप्स आप पहले ऐसे खोल लें और फिर ये आप अलाइन कर लें, अपने आप वहाँ खड़ा हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रेशर लगाना है। अगर नई प्लेट है तो लेफ्ट और राइट साइड में लगाएं ताकि आपको डर ना लगे, क्योंकि नए पीसी में थोड़ा दम लगाना पड़ता है। तो डरने की बात नहीं है, आप जैसे क्लिक होगा आपको दिखेगा दोनों तरफ से क्लिक होगा, यहाँ से क्लिक हो गया, आप इधर से क्लिक होगा। अब हमने पीसी में सीपीयू इंस्टॉल कर लिया, फैन कर लिया और रैम। अब हम इसको डालेंगे अपने केस के अंदर।